लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सागर रोड पर हुई गोलीबारी की घटना, घायल ब्रजेश तिवारी को भेजा गया जिला अस्पताल। हालात गंभीर होने की वजह से जिला अस्पताल से ग्वालियर उन्हें लाया गया और रेफर किया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के फोर सीजन होटल के पास की घटना वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश तिवारी के पुत्र एवं जिला पंचायत में पदस्थ नीलम तिवारी के भाई ब्रजेश तिवारी को मारी गोली। हालात गंभीर, प्लाट पर विवाद करने फोर व्हीलर पर सवार होकर ये लोग पहुंचे थे। आरोपी गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर फरार हुए और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। एक केस ब्रजेश तिवारी नाम का एक युवक आया है, 40 वर्ष उसकी उम्र थी और उनको गोली लगी हुई थी। ऐसा बताया गया है कि पारिवारिक विवाद में कुछ गोली लग गई है उनको और अभी ऑपरेशन थिएटर में लेके उनका प्राइमरी उपचार किया गया है। उनकी हालत अभी थोड़ी सी गंभीर बनी हुई है क्योंकि एक गोली पेट में लगी हुई थी जिसमें आते भी उनकी बाहर थी और एक गोली चेहरे के आसपास लगी हुई है जिससे उनकी छाती में काफ़ी सूजन आ रही है। सागर रोड पर ब्रजेश तिवारी जिन्हें गोली मारी गई उनका जमीन को लेकर विवाद था। उसी में उनके ऊपर आप भी कुछ देर पहले गनशॉट किया गया और उसमें इनको अस्पताल लेके गए थे जहाँ से इनको ग्वालियर रेफर किया गया है। उसमें जो आरोपी है उसकी तस्दीक की जा रही है।